तो खबर उत्तर प्रदेश से, जहां रायबरेली पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कुशल नेतृत्व व क्षेत्र अधिकारी लालगंज व थाना अध्यक्ष गुरबख्श गंज संतोष कुमारी के निकट पर्यवेक्षण में आगामी पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत गत अवैध शराब की बिक्री तस्करी निष्कर्ष के विरुद्ध कृत कार्रवाई के अंतर्गत थाना गुरबख्श गंज टीम अबकारी टीम रायबरेली द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर अभियुक्त गण अभिषेक सिंह चौहान पुत्र धर्मेंद्र सिंह चौहान निवासी गांव पूरे भवानी बख्श का पूर्वा, धर्मेंद्र सिंह चौहान पुत्र शेर बहादुर निवासी पूरे भवानी बख्श का पूर्वा मजरे सुल्तानपुर खेड़ा थाना गुरबख्शगंज अपने गाँव के स्थित भट्टे के पास पोर्टी फोर्स से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण सुशील कुमार पुत्र गंगालाल यादव ग्राम शिवरापुर थाना उंचाहार उमेश चाइना विनीत पांडे अज्ञात मौके से भाग निकले। जानकारी में कब्जे में 26,000 नकली व 14,000 लेबल, 9,000 QR कोड, 8600 खाली सीसी, 15 ड्रम में एक पानी की टंकी, एक मारुति सुजुकी वाहन पुलिस ने बरामद किया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त जनपद रायबरेली में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से शराब के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है, जिसमें कि आबकारी विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में जो थाना अध्यक्ष गुरबख्श हैं, इनको कहीं से सूचना मिली कि एक पोल्ट्री फार्म इनके क्षेत्र में है, जहाँ पर कुछ नकली शराब बनाई जा रही है। इस सूचना पर इन्होंने तत्काल फोर्स के साथ वहाँ छापा मारा और छापा मारने पर वहाँ पर बहुत सारा सामान नकली शराब बनाने का मिला। और ये भी पता चला कि वहाँ के जो दो लोग वहाँ मौके पर पकड़े गए, जिनका नाम अभिषेक सिंह और धर्मेंद्र सिंह है, उनका ये पोल्ट्री फार्म था। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कमरा 30,000 रुपये में सुनील यादव और उसके साथियों को किराए पर दिया है। इस क्रम में वो सारे के सारे लोग मिल के वहाँ पर जो है वो नकली शराब बनाने का कारखाना चला रहे थे, और ये इस काम को चलते हुए भी 15-20 दिन हुआ था। और इस क्रम में उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सामान इकट्ठा कर रखा था, जिसमें जो वहाँ पर मौके से बरामद हुआ है उसमें 26,000 नकली ढक्कन है, 14,000 नकली लेबल है, 9,000 नकली QR कोड है, 86,000 प्लास्टिक की खाली सीसी है, 15 अदद खाली ड्रम है, 1 अदद पानी की टंकी सफ़ेद है, और इसके अलावा एक जो है वहाँ पर तार भी मिली है और एक केमिकल भी मिला है जिसको मिला के लिए शराब बनाते थे। और वहाँ पर ये जानकारी करने के पता चला ये पावर हाउस ब्रांड से ये शराब बनाया करते थे और इसको मार्केट में बेचने की इनकी तैयारी थी। मुख्य रूप से इसकी तैयारी इन लोगों ने जो आगामी हमारा पंचायत चुनाव उसको ध्यान में रखकर की थी, लेकिन समय रहते ही गुरबख्शगंज की पुलिस ने जो है इसका भंडाफोड़ किया। और ये काफ़ी अच्छा गुड वर्क है, जिससे कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें 10,000 रुपये का इनाम दिया। सर, लगभग कितने का माल रहा होगा ये माल? जो है करीब लाखों रुपये का इसमें माल बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात, माल की बरामदगी से इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बहुत सारे माल बनाने की तैयारी थी, जिसको उससे पहले ही रहते हुए ख़त्म कर दिया, नहीं तो ये शराब ये कहाँ कहाँ भेजते और उसका क्या नुकसान होता है इसका नज़र लगा। सर, ये कहाँ से लाते थे माल? कहाँ से लाते थे माल? ये खुद बनाते थे, 25,000 एक केमिकल नहीं सर, ये पकड़ा गया है सर, ये डिब्बा उब्बा कहाँ से लाते थे? ये डिब्बा उब्बा जो है ये बना के इन्होंने